नमस्कार, अभी तक भारत चैनल में आपका स्वागत है। खबर एक रेलवे सुरक्षा बल से है, जहां साहेबगंज रेलवे स्टेशन में नए सुरक्षा बल का भवन का उद्घाटन किया गया। रेलवे आरपीएफ पोस्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आईजी रेलवे ईस्टर्न जोनल के आईजी एएन मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल के नए पोस्ट का उद्घाटन, भवन का उद्घाटन आज सोमवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साहेबगंज आरपीएफ पोस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसके लिए 5000 रुपए की पोस्ट को 5000 का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया गया। साथ ही जो आरपीएफ इंस्पेक्टर है, यहाँ की इंचार्ज है, उनको 2000 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया। आईजी ने कहा कि रेलवे अपराध को रोकने के लिए आरपीएफ बल पूरी तरह से सक्षम है और पूरा काम कर रहा है। भागलपुर साहेबगंज जैसे जगह पुरानी जगह है, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल अपनी संख्या और मजबूती बढ़ा रहा है ताकि रेल में होने वाले अपराधों को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके लिए वो सतत प्रयास से ले। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। पोस्ट का उद्घाटन किया गया है, यह एक नई पोस्ट है और जैसे आपको पता है कि साहेबगंज बहुत ही पुरानी जगह है, पुराना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका स्थान बिहार के बहुत ही पुराने शहर के रूप में है और हमारे यहाँ पर आरपीएफ पोस्ट था, लेकिन उसमें उतने जगह या पर्याप्त जगह नहीं था जिससे हम लोगों को दिक्कतें हो रही थी। क्योंकि प्रशासन ने उचित समझा कि यहाँ पर आरपीएफ का एक प्रॉपर पोस्ट हो और यह काम हम लोग मालदा डिवीजन में और ईस्टर्न रेल में आरपीएफ पोस्ट और बैरक का नवीनीकरण हो या नए बैरकों का या ऑफिस का उद्घाटन हो या उसकी स्थापना जो हम बराबर कर रहे हैं। जैसे मुझे आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि भागलपुर का जो है बैरक, जो कि काफी सालों 50 साल से ऊपर पुराना बैरक है, उसमें मात्र हमारे 30 लोगों के रहने की व्यवस्था है। अभी प्रशासन ने उसका सैंक्शन दे दिया है, मैंने उसमें मंजूरी दे दी है। 2 करोड़ 10 लाख की लागत से एक भव्य भारतीय बैरक की वहाँ पर जल्द से जल्द उसका काम हो। तो यह सतत किया है, स्टाफ ठीक से रहे, हमारे जो अफसर और साहबान जो अपने ऑफिस में ड्यूटी करते हैं वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली ड्यूटी करें, इसी का यह थैंक यू। काफी सारे गैंग्स पकड़े हैं जो कि बच्चों और महिलाओं का शोषण कर रहे थे और ट्रैफिकिंग कर रहे थे। इस तरह का हम लोगों ने केस किया है और इसका तो आप लोगों ने बहुत अच्छा निकाला भी, इसका तो मैंने अच्छा पब्लिसिटी भी देखा और आपने प्रेस में भी अच्छी कवरेज की। आगे भी हम लोग आपको